अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। डीवीएस के आप लोग जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग जो ना एक्सरसाइज 3.9 को स्टार्ट कर चुके हैं। उसके अंदर जो हमारे पास बेसिक कंसेप्ट था, यानी कि लीनियराइजेशन बेसिकली हमारे पास क्या होती है, उसकी डेफिनेशन की बात कर हमने एक एग्जाम्पल को लेकर कंप्लीट हम जो ना उसको एक्सप्लेन किया, ताकि आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो। लीनियराइजेशन या आपकी स्टैंडर्ड लीन अप्रोक्सीमेशन हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर फुली एक्सप्लेन किया। अगर आप उस लेक्चर को देखना चाहते हैं, बल्कि मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोग उस लेक्चर को जाके लाजमी देखें, ताकि आपको बेसिक कंसेप्ट समझ आए। अगर आज के लेक्चर की बात करूं, तो आज के लेक्चर के अंदर मैं आज के लेक्चर में 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट सॉल्व करने वाला हूँ। तो इन क्वेश्चन के अंदर भी हम लोगों ने वही जना वो सिंपल हमने लीनियराइजेशन फाइंड आउट करनी है, और वही फार्मूला हमने अप्लाई करना जो हमने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बताया था। तो लेक्चर सिंपल होने जा रहा है, इजी होने जा रहा है। अगर आप इस चैनल पर न्यू है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो सब्सक्राइब करें, बल्कि बटन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं न्यू लेके लेक्चर लेके आता हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है जी एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, उसने आपको फंक्शन दिए हुए एक्स की पावर 3 माइनस 2x प्लस 3, और उसने आपको जो है ना वो ए की वैल्यू यहाँ पे 2 दी हुई है। तो हम लोग जो है ना फार्मूला जानते हैं कि बेसिकली हम लोग लीनियराइजेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका हमारे पास फार्मूला, तो वो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। वो जी हमारे पास एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ऑफ ए इंटू एक्स माइनस ए, इसको आप लोग जो है वो 1 का नाम भी दे सकते हैं। ये हमारे पास बेसिकली फार्मूला है। इसके अंदर सबसे पहले एफ ऑफ ए है, यानी कि एक जगह पे आप लोग 2 पुट करेंगे, और इस एक्स की जगह पे बेसिकली हम लोग 2 पुट करेंगे, और आप लोग इसमें वैल्यूज पुट करके उसको हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसी तरह से फिर आप लोग उसका डेरिवेटिव लेंगे और उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा। तो सबसे पहले हमें चाहिए एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ ए को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 1 में वहां हमें चाहिए एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए का मतलब है कि एक्स की जगह हमने ए पुट करना है। अब ए बेसिकली हमारे पास 2 है, यहाँ पे हम लोग जो है ना वो एफ ऑफ 2 पुट करेंगे। तो जहां जहां पे आपके पास एक्स है, वहां वहां पे 2 पुट कर दें, तो ये बनेगा 2 की पावर 3 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 3। अब इन क्वेश्चन को जो ना वो सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड हो सकते हैं, लेकिन मैं जो इजीएस्ट मेथड जो मुझे लगा, मैं वो आपको करवाने जा रहा हूँ, बिल्कुल सीधा सीधा और सिंपल। तो ये जी हमारे पास ये बन जाएगा फिर एफ ऑफ ए विच इज इक्वल टू 2 का क्यूब आप लोग लेंगे, तो वो आपके पास 8 होता है, 8 माइनस 4 प्लस 3 बन जाएगा। 8 माइनस 4 करेंगे तो 4, 4 प्लस 3 आपके पास होता है जी 7। ये आ गया जी आपके पास बेसिकली एफ ऑफ ए। अब हमें यहाँ पे चाहिए एफ प्राइम ऑफ ए, यानी कि इसका हम लोग डेरिवेटिव लेना है। तो एफ एफ प्राइम ऑफ ए, यानी कि इसका हम लोग लेते हैं डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 3 पीछे आ जाएगा, यहाँ पे बनेगा 3x की पावर 2 माइनस 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, प्लस 3 का डेरिवेटिव जो ना वो कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव 0 होता है, उसको ना लिखें यहाँ पे। तो ये हमारे पास बेसिकली हमने इसका डेरिवेटिव निकाल लिया। अब हमने एक जगह पे बेसिकली 2 पुट करें, तो यहाँ पे 2 पुट करें एफ प्राइम ऑफ 2 विच इज इक्वल टू, जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ वहाँ पे 2 पुट करेंगे, क्योंकि एक्स को बेसिकली हमने ए के इक्वल लेना है। हमें उसने क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक्स विच इज इक्वल टू ए, उसने क्वेश्चन में बोला हुआ कि एक्स को आपने ए के इक्वल लेना है, इसलिए हम एक्स की जगह पे ए या फिर एक जगह पे जो उसने हमें वैल्यू दी है वो पुट कर रहे हैं, 2 पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे आप लोग 2 का स्केयर माइनस 2 विच इज इक्वल टू 2 का स्केयर 4, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर 12, 12 माइनस 2 आपके पास 10। एफ प्राइम ऑफ ए की वैल्यू, एफ डैश ऑफ ए की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। अब इस इक्वेशन नंबर 1 में आप लोग इस फार्मूले में पुट करते हैं, आपके पास आंसर आ जाएगा। मैंने कितना सिंपल करके आपको बताया, तो यहाँ पे लिखे नो आपके पास है जी एल ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए भी हमने यहाँ पे निकाला 7, तो 7 लिखें प्लस एफ प्राइम ऑफ ए, एफ प्राइम ऑफ ए अभी हमने यहाँ पे निकाला 10, तो यहाँ पे लिखे 10 इंटू एक्स माइनस ए की जगह पे उसने 2 दिया, तो 2 लिखे यहाँ पे एक्स माइनस 2, तो ये बनेगा जी आप लोगों के पास एल ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 7 प्लस, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 10x प्लस माइनस माइनस 10 2 से मल्टीप्लाई 20 आ जाएगा। तो ये बनने जा रहे हैं जी आपके पास एल ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 7 माइनस 20, 20 में से 7 निकालेंगे तो ये 13 आएगा माइनस 13, तो 10x को पहले 10x माइनस 13 एट हमारे पास क्या था ए इज इक्वल टू 2, ए इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 2 कुछ भी कह लें, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। सारे के सारे क्वेश्चन हमने ऐसे ही करने हैं, मैंने बिल्कुल शॉर्ट मेथड सोच के आपको बताया है, यही मेथड आप लोग भी करेंगे आपको इजीली समझ में आएगा कितना शॉर्ट सा क्वेश्चन हमारे पास, ईच एंड एवरी थिंग जो है स्टेप वाइज हमने किया। ये तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कम्प्लीट हो चुका, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। नेक्स्ट देखिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, f(x) = √x^2 9 a = उसने माइनस 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले वही हमारे पास जो फार्मूला हमने ऑलरेडी यहाँ पे भी लिखा हुआ है,
इसी फार्मूले के अंदर सबसे पहले हमें चाहिए एफ ऑफ ए। तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं सबसे पहले एफ ऑफ ए विच इज इक्वल टू, ए बेसिकली हमारे पास -4 है, तो यहाँ पे लिखे एफ ऑफ -4 विच इज इक्वल, जहां जहां पे एक्स है वहां वहां पे तो -4 पुट करेंगे, तो -4 का स्केयर प्लस 9 होल का स्केयर रूट आ जाएगा विच इज इक्वल टू -4 हो जाए 4 और 4 का स्केयर आपके पास होता है 16, 16 प्लस 9 होता है 25, 25 का स्केयर रूट, तो ये आ जाएगा जी आपके पास एफ ऑफ ए स्केयर रूट ऑफ 25 होता है आपके पास बेसिकली 5। इसको आप लोग हाईलाइट कर लें। अब है जी हमारे पास हमने क्या निकालना, हमें इसका डेरिवेटिव चाहिए एफ प्राइम ऑफ ए, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये बनने जा रहा है इसका डेरिवेटिव, पहले इसको वैसे लिख लें आप लोग डी ओवर डी, क्योंकि एक्स एक्स वाला फंक्शन है तो डेरिवेटिव इसका एक्स की रिस्पेक्ट से ही लेना है, एक्स स्केयर प्लस 9 स्केयर रूट को खत्म कर देके ऊपर आप लोग लिख सकते हैं 1/2। ओके हो गया जी। अब आप लोग क्या करें, जिसका डेरिवेटिव लेंगे तो पावर रूल लगेगा, पावर रूल में से आपके पास, अब देखें अब पावर रूल क्या होता है, हमारे पास प्रोडक्ट रूल क्या होता है, क्वेश्चन रूल क्या होता है, हमारे पास जाना वो चेन रूल क्या होता है, हमारे पास एल हॉपिटल रूल क्या होता है, ये सारे के सारे डेरिवेटिव्स के बेसिक रूल्स हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक उन लेक्चर्स को नहीं देखा, उन लेक्चर्स को का लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, मैंने सारे के सारे लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं, आप लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे आई बटन पे भी जाके आप लोग विजिट करें, चेक करें, वो लेक्चर लाजमी देखें, आपको सारे के सारे रूल्स की बेसिक समझ आएगी। तो यहाँ पे बात करते हैं हमारे पास पावर रूल लगे तो 1/2 आ जाएगा पीछे, तो फिर ये इस फंक्शन में की पावर में जाना वो 1/2 में एक और माइनस करें तो बन जाएगा -1/2, और इसका दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, और 9 के कांस्टेंट इसका डेरिवेटिव 0 होता है, उसको रहने देते हैं। ये हमारे पास चीज आ गई। उसके बाद देखें जी हमारे पास क्या बनने जा रहा है, एफ प्राइम ऑफ ए विच इज इक्वल टू, अब -1/2 है इसको नीचे लेके चले जाते हैं, ये बनने जा रहा है जी 1 ओवर, इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर दें तो ऊपर हमारे पास एक्स बचा है, यहाँ पे लिख रहे हैं एक्स ओवर, इसको नीचे ले जाए एक्स स्केयर प्लस 9 इसके स्केयर रूट लिख लें, ठीक है जी, क्योंकि ऊपर -1/2 नीचे 1/2 और 1/2 की जगह पे आप स्केयर रूट लिख सकते हैं। अब आप लोग क्या कर सकते हैं जी, अब आप लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं एफ प्राइम ऑफ, एक जगह पे आप लोगों ने पुट करना -4, तो जहां जहां पे एक्स है वहां पर -4 पुट करें, -4 का स्केयर प्लस 9 स्केयर रूट विच इज इक्वल टू -4 ओवर 4 का स्केयर होता है जी आपके पास 16, 16 प्लस 9 25, 25 का स्केयर रूट लेंगे तो वो होगा जी आपके पास 5, तो ये आ गया जी आपके पास -4 ओवर 5। अब हम लोगों ने क्या करना है जी, बेसिकली इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा, तो ये लिखें जी 9, हमारे पास क्या बनेगा एल ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, सबसे पहले हमारे पास एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए अभी हमने यहाँ पे निकाला 5, तो लिखें 5 प्लस एफ प्राइम ऑफ ए हमने अभी निकाला, प्लस की जगह पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे यहाँ पे भी -4 ओवर 5, उसके बाद आपके पास एक्स माइनस ए है तो यहाँ पे लिखेंगे आप लोग एक्स माइनस ए, तो एल ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, ये देखेंगे 5 -4 ओवर 5 एक्स, अंदर मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ ना माइनस माइनस प्लस 4 ओवर 5, एक जगह पे यहाँ पे हमने बेसिकली पुट करना है, ए की जगह पे हमने -4 पुट करना है, ये प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है जी, तो ये बन गया -4 ओवर 5 एक्स प्लस माइनस, यहाँ पे भी आपके पास माइनस आएगा 4 को 4 से मल्टीप्लाई 16 ओवर, ये बटे में आपके पास 5 है। अब यहाँ पे आप लोग इजिली जो है ना ये भी कॉन्स्टेंट है, ये भी कॉन्स्टेंट है, इसका आप लोग इनको इकट्ठे कर लें, एल ऑफ एक्स विच इज, इसको पहले लिख लें -4 ओवर 5, उसके बाद जी आपके पास यहाँ पे लिखें माइनस, या पहले ये लिख लें +5 लिख लें, उसके बाद -16 ओवर 5 लिख लें, इन दोनों का एलसीएम ले लें, एल ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू -4 ओवर 5 प्लस इन दोनों का एलसीएम, ये 5 आएगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई 25 -5 5 से 16, तो ये 25 में 16 निकालेंगे तो ये बनेगा आपके पास 9 9 ओवर 5, तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 -4 ओवर 5, यहाँ पे एक्स में लिखना भूल गया हूँ, एक्स लिखें -4 ओवर 5 एक्स प्लस 25 -16 9 ओवर 5, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 3 में, कहता है एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स एंड ए इज इक्वल टू 1, यहाँ पे उसने आपको दिए हो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे एफ ऑफ ए निकालेंगे यहाँ पे, तो एफ ऑफ ए निकालते हैं तो ये जी हमारे पास एफ ऑफ ए विच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए की जगह पे, एक जगह हमने 1 पुट करा, तो यहाँ पे लिखा एफ ऑफ 1 विच इज इक्वल टू, अब जहां जहां पे एक्स है वहां पे 1 पुट करें 1 प्लस 1 ओवर 1, तो 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब हम लोगों को क्या चाहिए, इसका डेरिवेटिव चाहिए, तो यहाँ पे लिखें जी एफ डैश ऑफ ए विच इज इक्वल टू, अब हम लोग लेंगे जी इसका यहाँ पे डेरिवेटिव, तो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स को ऊपर लेके चलेंगे तो बनेगा एक्स की पावर -1।
अब इसका यहाँ हम लोग डेरिवेटिव लेंगे इजीली, तो ये बनेगा पावर रूल यहाँ पे लगेगा, तो डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव आपको तो ये वन, उसके बाद माइनस, ये माइनस वन पीछे आ जाएगा माइनस यहाँ पे आएगा, एक्स की पावर में एक और माइनस करेंगे तो माइनस टू बन जाएगा। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एफ डैश ऑफ ए विच इज इक्वल टू वन माइनस वन ओवर एक्स का स्केयर लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने बेसिकली क्या करना है, एक ही जगह पे हमने पुट करना है वन, तो पुट कर देते हैं हम लोग, वन पुट कर देते हैं तो बनेगा वन माइनस वन ओवर वन का स्केयर, वन माइनस वन आपके पास आ जाएगा जीरो। अब इजीली आप लोग ये वाली वैल्यूज इस इक्वेशन नंबर वन में पुट करें, इस फार्मूले में पुट करें, आपके पास आंसर सिंपल है। हमारे पास ही नो, हमारे पास क्या होगा जी, एल ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, बी हमने निकाला जो हमारे पास टू था, टू प्लस एफ डैश ऑफ ए, बी हमने निकाला एफ डैश ऑफ ए हमारे पास जीरो है, प्लस जीरो इंटू एक्स माइनस ए, जीरो को सबसे मल्टीप्लाई करें तो जीरो ही आना, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा टू, एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू। हमारे पास पॉइंट कौन सा था, एट एक्स इज इक्वल टू वन, ठीक है, ए इज इक्वल वन, एक्स इज इक्वल वन, बेसिकली इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ ना कि एक्स इज इक्वल ए है, तो एक्स इज इक्वल वन है, ए इज इक्वल वन लिख लें, ठीक है। ये हमारे पास फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर थ्री का। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर में, कहता है एफ ऑफ एक्स व्हिच इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स, और यहां पे उसने ये हमें बेसिकली माइनस एट दिया हुआ है, तो देखते हैं जिसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स व्हिच इज इक्वल टू क्यूब रूट को खत्म कर लिख सकते हैं आप लोग एक्स की पावर वन ओवर थ्री, ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, आपकी मर्जी है। अब हम लोग बेसिकली फार्मूला हमारे पास जीरो, एफ ऑफ ए सबसे पहले निकालेंगे, तो एफ ऑफ ए एक जगह पे हमने पुट करना है जो माइनस एट, यहाँ पे पुट करें एफ ऑफ माइनस एट विच इज इक्वल टू, तो क्योंकि एक्स और ए इक्वल ही आपस में, तो एक्स के माइनस एट पुट करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस एट इसकी पावर में आ जाएगा वन ओवर थ्री। अब माइनस एट को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस टू की पावर थ्री होल की पावर वन ओवर थ्री, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टू टू बार फोर और फोर टू बार एट होता है, तो एट को हम लोग लिख सकते हैं टू की पावर थ्री साथ माइनस है, तो ये थ्री जो आपके पास थ्री से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा आपके पास एफ ऑफ ए विच इज इक्वल टू, ये बनेगा आपके माइनस टू, इसको आप हाईलाइट कर लें। अब हम लोगों को क्या चाहिए, अब हमने इसका लेना डेरिवेटिव, तो एफ प्राइम ऑफ ए विच इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पावर लगेगा वन ओवर थ्री पीछे आ जाएगा, एक्स की पावर में वन ओवर थ्री माइनस वन करेंगे तो आई थिंक माइनस टू ओवर थ्री आ जाएगा, ठीक हो गया जी। अब हम लोग यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, एक ही जगह पे हमने पुट करना है माइनस एट, तो माइनस एट पुट करेंगे तो ये बनेगा जी आपके पास, इसको नीचे ले जाते हैं वन ओवर थ्री, और एक्स से हमें पुट करना माइनस एट, माइनस एट इसको नीचे ले जाते हैं, ये नीचे आके टू ओवर थ्री बन जाएगा। यहाँ पे भी आप लोग लिख सकते हैं वन ओवर थ्री इंटू माइनस एट, जब लिखे माइनस टू की पावर टू ओवर थ्री, ओके माइनस टू की पावर थ्री होल की पावर टू ओवर थ्री, थ्री थ्री से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा आपके पास एफ प्राइम ऑफ माइनस एट विच इज इक्वल टू वन ओवर, ये थ्री है आपके पास और माइनस टू का स्केयर फोर, फोर होता है, हाँ जी फोर होता है, ये बन जाएगा जी आपके पास वन ओवर ट्वेल्व आ जाएगा। अब हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हैं, अब यहाँ पे आप लोग वैल्यूज पुट करें आपके पास आ जाएगा आंसर, तो यहाँ लिखे नो या फिर हैंस, तो एल ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, अभी हमने निकाला एफ ऑफ ए हमारे पास क्या होता है, एफ ऑफ ए हमारे पास माइनस टू है, तो लिखे यहाँ पे माइनस टू प्लस वन ओवर ट्वेल्व और एक्स माइनस ए, एक जगह पे हमने माइनस एट लिखा, ये प्लस एट बन जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास एल ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू माइनस टू प्लस मल्टीप्लाई करें बन जाएगा जी वन ओवर ट्वेल्व एक्स प्लस 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 एट ओवर ट्वेल्व आ जाएगा। अब इनको आप लोग यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, अगर फोर से कैंसिल करते हो तो फोर टू बार एट होता है, फोर थ्री बार ट्वेल्व होता है, तो ये है जी आपके पास एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास वन ओवर ट्वेल्व एक्स को पहले लिख लें, उसके बाद प्लस टू ओवर थ्री लिख लें, उसके बाद माइनस का टू लिख लें। अब यहाँ पे इनका एलसीएम लें, इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये बनेगा आपके पास एल ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू वन ओवर ट्वेल्व एक्स प्लस यहाँ पे थ्री आप लोग लेते हैं एलसीएम, थ्री थ्री से कैंसिल ऊपर बचा टू माइनस थ्री टू बार सिक्स, तो टू माइनस सिक्स आपके पास हो तो माइनस फोर बाई थ्री, तो ये आएगा जी आपके पास एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन ओवर ट्वेल्व एक्स माइनस फोर ओवर थ्री, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर फाइव में, कहता है एफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स, उसने आपको जो है ना वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है और ए उसने आपको यहाँ पे पाई दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सबसे पहले एफ ऑफ ए की बात करते हैं, तो एफ ऑफ ए निकालते हैं, तो एफ ऑफ ए विच इज इक्वल टू, अब एक जगह पे हमने बेसिकली पुट करना पाई, तो एफ ऑफ पाई विच इज इक्वल टू यहाँ पे टेन एक्स की जगह पे पाई पुट करेंगे, तो टेन पाई आपको पता होना चाहिए, टेन पाई आपके पास जीरो के इक्वल होता है, तो यहाँ पे आप लोग जीरो के इक्वल इसको लिख लें, तो ये आपके पास एफ ऑफ ए विच इज इक्वल टू जीरो आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं,
अब देखिए यहाँ पे समझने वाली है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक की टेबल की आपको वैल्यूज का कैसे पता चलता है। मैं पहले भी बहुत दफा बता चुका हूँ कि मैंने लेक्चर अपलोड किया हुआ है कि हाउ टू रिमेंबर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इन सेकंड्स, के इजीली जो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स की तमाम वैल्यूज को आप लोग सेकंड्स के अंदर याद रख सकते हैं। उसका लेक्चर मैं अपलोड किया हुआ, उसका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे आई बटन मिल जाकर आप लोग चेक करें, विजिट करें, वो लेक्चर लाजमी देखें और उसको याद करें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यूज को। अब हम लोगों ने लेना जी इसका डेरिवेटिव, मैंने कहा प्राइम ऑफ ए विच इज इक्वल टू, अब टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है जो आपके पास सीकेंट स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है जो सीकेंट स्क्वायर एक्स। अब एक जगह पे हमारे पास पाई है तो यहाँ पे आप लोग पाई पुट करें तो यहाँ पे भी सीकेंट है स्क्वायर, सीकेंट पाई, सीकेंट स्क्वायर पाई, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली आप लोगों के पास जो सीकेंट पाई होता है वो वन के इक्वल होता है, ठीक है जी। तो वन के इक्वल होता है तो वन का स्क्वायर भी आपके पास यहाँ पे फिर वन ही होगा। अब ये हमारे पास वैल्यूज आ चुकी है, एफ ऑफ ए की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, एफ प्राइम ऑफ ए की वैल्यू भी आ गई, इसमें पुट करें फार्मूले के अंदर तो ये बनेगा आपके पास, फार्मूला बनने जा रहा है एल ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए हमारे पास है जी 0 प्लस, ये जी आपके पास 1 × x − 1, एक जगह पे आपने पाई पुट करना है तो पाई पुट किया तो ये आपके पास क्या बनेगा जी एल ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई एट आपके पास एक्स विच इज इक्वल टू पाई। दिस इज द फाइनल आंसर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में आई थिंक उसने 3 पार्ट दिए हुए हैं, ए पार्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी हम लोगों ने यही लीनियराइजेशन ही हमने करनी है, फाइंड आउट करनी है, यही फार्मूला हमने अप्लाई करना है, यही हमने मेथड यूज करना है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 में उसने हमें क्या पूछा हुआ है। कॉमन लीनियर अप्रोक्सीमेशन एट एक्स इज इक्वल टू 0, आपने एक्स इज इक्वल टू 0 लेना, यानी कि एक्स ए के इक्वल है तो आपने यहाँ पे ए इक्वल 0 के इक्वल लेना है, एक्स के 0 पुट करना है, तो ए आपके पास पार्ट है साइन एक्स, बी वाला पार्ट है कॉस एक्स और सी वाला पार्ट है टेन एक्स। तो सिंपल हमारे पास फंक्शन है 3, तो इनको भी हम लोग वैसे के वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फंक्शन लेते हैं जी साइन एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0, साइन एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0, ओके हो गया जी। इसकी बात कर लेते हैं, एक बार की बात करते हैं, बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही सिंपल से हमारे पास 3 यहाँ पे पार्ट है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, बेसिकली हम लोग लेंगे जी एफ ऑफ ए निकालेंगे, तो हमारे पास एफ ऑफ ए एक जगह पे ए एक्स कह लें वो हमारे पास बेसिकली 0 है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप लोग एफ ऑफ 0 विच इज इक्वल टू एक्स से 0 पुट करें तो ये बनेगा जी साइन 0, साइन 0 आपके पास क्या होता है 0 ही होता है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हमें चाहिए एफ प्राइम ऑफ ए, हम लोग लेंगे इसका डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे तो ये एफ प्राइम ऑफ एक्स, एक्स लेने ए ले एक्स ही ले लेते हैं, उसने हमें एक्स के फॉर्म में दिया हुआ है, एक्स के फॉर्म में तो एक्स ही ले लें यहाँ पे, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये बनेगा साइन डेरिवेटिव आपके पास होता है जी कॉस एक्स। अब हमें एक्स की जहाँ पे वैल्यू कौन सी चाहिए, एफ ऑफ एक्स जहाँ पे 0 पुट करना है, तो 0 पुट किया तो कॉस 0 विच इज इक्वल टू 1 होता आप लोगों के पास। अब हम लोग इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, तो ये लिखेंगे एल ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, सबसे पहले एफ ऑफ ए जो हम या फिर एफ ऑफ एक्स हमने निकाला 0 प्लस, फिर उसका डेरिवेटिव ली, डेरिवेटिव हमने निकाला 1, 1 इंटू एक्स, एक्स माइनस ए, ए उसने में जो ना वो एक्स इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो ये लिखेंगे जी हमारे पास एल ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, ये हमारे पास एक्स आ जाएगा, सिंपल हमारे पास एक्स आ जाएगा। ये था हमारे पास इसका ए पार्ट। नेक्स्ट बिल्कुल इसी तरह इसका हमने बी पार्ट भी, बी पार्ट में हमारे पास कॉस एक्स है तो कॉस एक्स बिल्कुल आपने वैसे का वैसे ही करना, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है। तो सी पार्ट देख लेते हैं, सी पार्ट में जी बेसिकली हमारे पास टेन एक्स, टेन एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। अगर आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम होती है या फिर आप लोग जो है ना वो थॉमस के हवाले से हैंडल नोट्स बाय करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे साथ इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, तो वहां पे आप लोग इजी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कोई भी इस हवाले से लेक्चर के हवाले से आपको कोई मसला होता है आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो बी पार्ट में से कॉज है वो भी बिल्कुल वैसे ही, कोई डिफरेंस नहीं, ये भी वैसे ही है, मैं फिर भी कर देता हूँ सी पार्ट। तो सी पार्ट में जी हमारे पास सॉल्यूशन की बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग जो है ना इसका एफ ऑफ एक्स, एक्स से हम लोग पुट करेंगे बेसिकली 0, तो 0 पुट किया ये बनेगा टेन 0, और टेन 0 आपके पास क्या होता है जी टेन 0 के ऊपर भी आपके पास 0 ही होता है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसका लेंगे हम लोग डेरिवेटिव भी, एफ प्राइम निकालेंगे, एफ प्राइम ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू टेन का डेरिवेटिव हमारे पास जी सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स तो हमारे पास एक्स की वैल्यू इसमें 0 दी हुई है, तो यहाँ पे एक्स की जगह पे हम लोग जो है ना वो 0 पुट करेंगे, सीकेंट स्क्वायर 0, तो सीकेंट 0 पे हमारे पास 1 होता है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर भी आपके पास 1 ही होगा। अब इसी को हम इसी फार्मूले में पुट करते हैं तो हमारे पास एल ऑफ एक्स आ जाएगा, एल ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए एफ ऑफ एक्स अभी हमने निकाला 0, 0 प्लस, फिर उसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव हमने लेके वैल्यू पुट की तो 1 आ गया इंटू एक्स माइनस ए, जो हमें उसने पॉइंट दी वो हमारे पास 0 है, तो एक्स माइनस 0 ये हमारे पास आ जाएगा एल ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 1 को एक्स में डिवाइड करते हैं तो एक्स ही आएगा। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ आज के लेक्चर का लास्ट लास्ट पार्ट, लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 का, हमने सी पार्ट भी सॉल्व कर लिया। तो अगर लेक्चर आपको अच्छा लगता है सब्सक्राइब किए बगैर मत जाया करें, अपने फ्रेंड फैमिली के साथ भी शेयर किया करें, अपने भी ख्याल रखा करें, इस चैनल का भी ख्याल रखा करें। नेक्स्ट भी इंशाल्लाह मैं वीडियो अपलोड करता रहूंगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।